राम राम जी, सनातन धर्म की जय। अभी ठीक एक दिन पहले JKSSB का रिज़ल्ट निकलता है, जो कि एक तो जम्मू कश्मीर पुलिस के SI का रिज़ल्ट था और दूसरा था जल शक्ति विभाग के अंदर जो JEE की लिस्ट मतलब CBT एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकला है। अब इसी बीच में रिज़ल्ट तो निकला, लेकिन विंकल शर्मा जो कि लगातार एस्पायरेंट्स की आवाज़ उठा रहे हैं, एस्पायरेंट्स के लिए लगातार लड़ रहे हैं, उनको जो है डिटेन कर लिया जाता है। अब ये समझ नहीं आया कि कितने सारे स्कैम्स हुए पिछले दिनों, कितने सारे एग्ज़ाम्स के स्कैम सामने आए, आज तक वो स्कैम करने वाले अरेस्ट नहीं हुए, लेकिन जो व्यक्ति लोगों की आवाज़ उठा रहा है, जो युवाओं की आवाज़ उठा रहा है, जो एस्पायरेंट्स की आवाज़ उठा रहा है, उसे डिटेन क्यों कर लिया जाता है? अब ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही जाने, लेकिन बड़े दुख की बात है कि विंकल शर्मा, जिसने एस्पायरेंट्स, जिसने युवाओं की, जिसने अनएम्प्लॉयड यूथ की आवाज़ उठाई, पहले भी एजिटेशंस लीड किए, उन्हें रिज़ल्ट निकलने के साथ ही डिटेन कर लिया जाता है। और उसके बाद लगातार सोशल मीडिया में जो भी चल रहा है वो हम आपको स्क्रीनशॉट्स में दिखा सकते हैं। ट्विटर के अंदर भी आज लोग यही बात कर रहे हैं कि जिन्होंने स्कैम किए, जिन्होंने यहाँ पर पेपर खरीदे, पेपर बेचे, आज तक वो तो अरेस्ट हुए नहीं, लेकिन विंकल शर्मा को अरेस्ट कर लिया, जो इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा था। अब ये कैसा न्याय है, ये तो फिर मैं कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन ही जाने, लेकिन विंकल शर्मा के लिए आज कई सारे युवा सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। ना ही सिर्फ जम्मू में, दिल्ली से भी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं विंकल शर्मा जी के लिए, और हर जगह सोशल मीडिया के ऊपर रिलीज़ विंकल शर्मा के जो हैं हैशटैग भी चलाए जा रहे हैं। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स भी इसमें शेयर कर रहा हूं, और उन स्क्रीनशॉट्स में लोगों ने यही लिखा है कि विंकल शर्मा को घर से किस तरह से ले जाया गया, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसके बाद जैसे ही आपका रिज़ल्ट निकलता है, आप उसी समय जो है विंकल शर्मा को डिटेन कर लेते हैं। तो ये सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अब जवाब एडमिनिस्ट्रेशन ही दे कि आखिरकार विंकल शर्मा को डिटेन क्यों किया। धन्यवाद। राम राम। सनातन धर्म की जय।